हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब युवा किसान अंकित। आज हम आए हुए हैं केले के खेत में। किसान भाइयों, आज जैसा कि आप सभी हमारे पीछे देख सकते हैं, ये केले की फसल है और ये सितंबर का प्रथम सप्ताह चल रहा है, क्योंकि इस समय हमें अपनी केले ही की गुड़ाई ही कर देना चाहिए पेड़ के पास। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारे किसान भाई हैं वो केले के पेड़ के पास हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। पहले से खाद डाल दी थी, अब उसको गुड़ाई ही कर देंगे, जिससे जो केले हैं की जड़ें हैं उनका विकास काफ़ी अच्छा होगा। जब केले की जड़ों का विकास होगा तो हमारा पेड़ भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और किसान भाइयों, अगर हम स्प्रे की बात करें तो इसमें किसान भाई ने M45 सागरिका सल्फर, NPK 19:19 और पोषक तत्वों को मिक्स कर स्प्रे किया हुआ है, जिससे ये सूखियाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से केले हैं कि फसल अभी ग्रो कर रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ है, जो किसान भाई हैं वो घास काट रहे हैं केले की फसल में, क्योंकि घास अनावश्यक जो है उसको काट लेंगे, जिससे उनके पशुओं को देंगे, उससे उनके पशुओं को चारा भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, आपको थोड़ा लाइव दिखा दें कि कैसे गुड़ाई की जाती है केले के पास में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है गुड़ाई की जा रही पेड़ के पास। चलो किसान भाइयों, आप सभी को दिखाते हैं थोड़ा बैक कैमरे से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने NPK खाद ली है, अब हम इसको केले के पेड़ के पास हमें डाल देंगे। और फिर डालने के बाद हमें हम इसको कुदार की सहायता से पेड़ के पास हमें गुड़ाई कर देंगे, जिससे हमारी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हम इस समय अपनी जो NPK खाद पड़ चुकी थी उसके बाद अब केले के पास हैं गुड़ाई ही कर रहे हैं, जिससे जो हैं केले हैं कि जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी विकास करें। और किसान भाई, आप सभी से थोड़ी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे किसान भाई हैं कुछ इस तरीके से अपने खेत में केले के पेड़ हैं कि गुड़ाई करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये जो हमारा केले हैं का खेत है, इसे की रोपाई काफ़ी लेट में की गई है, इसलिए सितंबर में इतना बड़ा पौधा हुआ है अभी ही, क्योंकि जो जुलाई 15 जुलाई ही को इसकी रोपाई की गई थी, उसके बाद से अब इसमें जो पौधा है वो ग्रो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इसे कि जब गुड़ाई हो जाएगी तो हमारी जब जड़ों का विकास होगा तभी हमारा जो पेड़ है वो ज़्यादा बढ़वार होगी, इसे ही कि और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमारे किसान भाई अपने केले ही के पास हमें गुड़ाई करते हैं, और अनावश्यक खर को हमें निकाल देना चाहिए। किसान भाई, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पेड़ के पास हैं गुड़ाई करने के बाद जो शेष खर बचेगा इसको निराई के द्वारा निकाल दिया जाएगा। और किसान भाइयों, अगर स्प्रे की बात करें तो इसमें सागरिका सल्फर, NPK 19:19 और कापर का स्प्रे करने हैं से हमारा पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि कापर मुख्यतः जड़ों का विकास करेगा, जब जड़ों का विकास होगा तभी तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। तो किसान भाइयों, आप अगर केले की खेती करते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका भी पेड़ काफ़ी अच्छा ग्रो करे, क्योंकि आप किसान भाइयों देख सकते हैं कि ये आखिरी में लेट रोपाई की गई थी, उसके बावजूद इसका जो पेड़ है अब ग्रो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बढ़वार एक बार शुरू हो जाती है तो काफ़ी अच्छा पेड़ फिर चलने लगता है। तो किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे